हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफ कैट के अंदर रीजनिंग की क्लास के अंदर, रीजनिंग के एफ कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर 2018 का सेकंड पेपर। इससे पहले मैंने 2022 के और 2023 के जितने भी मुझे क्वेश्चन मिल पाए हैं, सारे के सारे एफ कैट के रीजनिंग के मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवा दिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे तो आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करके पढ़ सकते हैं। अगर आपने एफ कैट के मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें 2023 के सेकंड पेपर के भी आपको क्वेश्चन अवेलेबल है। और इसके अंदर क्या होगा, इसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको पेपर वाइज जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर एक और प्ले लिस्ट मिलेगी एफ कैट रीजनिंग की, जिसके अंदर आपको रीजनिंग के चैप्टर वाइज नहीं मैं कह रहा, मैं ईयर वाइज कह रहा हूँ, तो ईयर वाइज आपको सारे के सारे एफ कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर के लिए एफ कैट पढ़ना चाहते हो और उसके लिए प्रॉपर मैथ की तैयारी करना चाहते हो, तो रिकमेंड है फिरदौसी बैच, जिसके अंदर कंप्लीट आपको अर्थमेटिक सिखाया गया है बेसिक टू हाई लेवल। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन 2D और 3D तीन चैप्टर नहीं है, बाकी सारा का सारा आपका अर्थमेटिक जो है वो इंक्लूड है इसके अंदर, जो कि एफ कैट के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और ऐसे ही आपके लिए एफ कैट रीजनिंग कोर्स अवेलेबल है, 2023 का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें बेसिक्स कंसेप्ट आपके क्लियर है लगभग 80% तक आपका सिलेबस मैथ और रीजनिंग का लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि इसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ अपनी तैयारी के लिए कोई बुक आप परचेज करना चाहते हो उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर कोई टेस्ट बुक आप अगर फॉलो करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट आप उसके रिकमेंड कर रहा हूँ, आप उनको फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और साथ ही साथ एफ कैट का मैथ का कोर्स भी अवेलेबल है, और एफ कैट के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हैं। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर CDS के, CAPF के और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, उन सब के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है। अगर आप और पेपर की तैयारी करना चाहते हो, या फिर एफ कैट के साथ आप चाहते हो कि हमें और मैथ और रीजनिंग के अच्छे लेवल के क्वेश्चन कंटेंट मिल जाए, तो आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर उनको पढ़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ ऐसे आपको इंस्टाग्राम आईडी, अगर आप में से किसी बच्चे का कोई डाउट है, मुझे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके उसके रिलेटेड आप कोई भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास जो है वो आपके पास है वेन डायग्राम के ऊपर। अगर मैं एफ कैट 2018 के सेकंड पेपर की बात करूँ, तो इसमें 5-5 क्वेश्चन भी आपके वेन डायग्राम से पूछे गए, बट अगर मैं 2023 की बात करूँ या 2022 के पेपरों में, तो वहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम के हो चुके हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, अभी आपके 1 से 2 ही क्वेश्चन आएंगे हर पेपर में, बट ये जरूरी है कि ये टॉपिक आएगा ही आएगा, तो आप इसको अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप पॉज करके वीडियो को ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिक हाउस एंड ब्रिज, तो हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि ब्रिक जो होगा वो हाउस बनाने के लिए काम आता है, ब्रिक जो होगा वो आपके पास ब्रिज बनाने के लिए काम आएगा, जो ब्रिक्स होते हैं वो आपके लिए अदर थिंग्स के लिए भी यहाँ पे काम आने वाला है। तो आई रिकमेंड फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये आपके पास ब्रिक होगा, कुछ ब्रिक का पार्ट जो है वो हाउस बनाने में काम आएगा, कुछ ब्रिक का पार्ट जो है वो ब्रिज बनाने में काम आएगा, और कुछ आपका अलग से भी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। स्टूडेंट ऑफ लॉ, स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड मैन, हर एक स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को भी आपको वीडियो पॉज करके आपको ऑप्शन वाइज ट्राई करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ साइंस है, स्टूडेंट ऑफ लॉ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं कि ये मेरे पास यहाँ पे मैन है, तो मैन के अंदर कुछ हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ लॉ होंगे, कुछ यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ लॉ यहाँ पे गर्ल्स भी होंगी। ऐसे स्टूडेंट ऑफ साइंस जो है, कुछ यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट ऑफ साइंस यहाँ पे मैन होंगे, कुछ हमारे पास अलग फीमेल भी होंगी, कुछ मैन ऐसे होंगे, कैसे ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे इनसे अदर स्ट्रीम से होंगे। तो इसका मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। एंटी सोशल, पिक पॉकेट्स एंड किडनैपर्स, तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास पिक पॉकेट हैं, जितने भी हमारे पास पिक पॉकेट होंगे, उसमें से कुछ पार्ट ऐसा भी हो सकता है जो किडनैपर हो, जो चोरियां सिर्फ इस वजह से कर रहे हो किडनैप करके कि हमें यहाँ पे पैसा चाहिए। ठीक है, और ये तो दोनों के दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो हमारे पास क्या होंगे, एंटी सोशल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर चलते हैं। ये आपके पास वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वीडियो पॉज करके आप ट्राई जो भी क्वेश्चन करना चाहो कर सकते हो। स्टडी द डायग्राम और उसके रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने डाटा कुछ लिखा हुआ है। क्या पूछा हुआ है आपसे, नॉट डांसर, नॉट डांसर है मतलब डांसर का पार्ट आप एलिमिनेट कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, और लिखा हुआ है सिंगर, तो सिंगर का डाटा चाहिए, सिंगर से बाहर वाला नहीं चाहिए हमें। क्लियर, फिर आपको पॉइंट चाहिए यहाँ पे, तो इनका डाटा हमें चाहिए, इसके बाहर वाला नहीं चाहिए। तो बचे ही हमारे पास यहाँ पे एम ऑप्शन बच गया, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर फाइव के ऊपर चलते हैं। शीप, लैम्प एंड इंसेक्ट का क्या होगा, इसको टॉपिक का नाम है हमारे पास वर्बल एनालॉजी। ध्यान रखना, वर्बल एनालॉजी भी होती है। वर्बल एनालॉजी के अंदर आपके पास यहाँ पे वर्बल एनालॉजी के अंदर आपके पास कुछ टाइप्स बन जाती हैं। जैसे ये हमारे पास होगी, एक हमारे पास एक
जीके के बेस्ड के ऊपर। जीके बेस्ड इसलिए कह रहा हूँ, जीके के भी अलग अलग टाइप है जो कि बेसिक जीके होंगी, जैसे आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कोई स्टेट के साथ आपसे कैपिटल पूछ ले जाए, या फिर वर्बल एनालॉजी के अलावा आपको न्यूमेरिकल डाटा भी पूछा जा सकता है। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 का स्केयर, मतलब आपके पास 25, यहाँ पे 36, तो ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, 49, तो यहाँ पे क्या होगा। तो आपको पता है 5 का, 6 का, 7 का और यहाँ पे 8 का स्केयर आएगा, तो यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर, तो दोनों ध्यान रखने हैं। थर्ड आपके पास है नॉन वर्बल एनालॉजी। नॉन वर्बल का मतलब है वो डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। क्लियर, तो तीन आपके पास इस बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। अब बात कर लेते हैं शीप और लैम्प। तो शीप का जो बेबी होता है उसको लैम्प बोला जाता है, ठीक है। ऐसे इंसेक्ट का जो बेबी होगा उसको क्या बोला जाता है, लार्वा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। मॉन्क एंड नन एंड बैचलर का क्या रिलेशन होगा, ये आपस में दोनों के दोनों क्या एंटोनियम, तो बैचलर का एंटोनियम क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए स्पिंस्टर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। डार्क के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, फियर। अगर डार्कनेस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे डर होगा, फियर होगा, ठीक है। तो डार्क होने की वजह से ये होगा, तो ऑनेस्टी होने की वजह से क्या होगा, ऑनेस्टी होने की वजह से आपको यहाँ पे पर्सनैलिटी थोड़ा मिलेगी, मनी, ट्रेचरी, ट्रस्ट। ऑनेस्टी होने से आपको ट्रस्ट मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। फूड हंगरी है, अगर फूड होगा तो आप, अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ पे भूख लगी होगी तो फूड से खत्म होगी, या फिर आप ये बोल सकते हो कि फूड होगा तो आपकी जो भूख है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये होने से ये चीज़ खत्म हो जाएगी। थाउट होने से पॉलिटिशियन खत्म नहीं होगा, वाटर होगा तो रिवर खत्म नहीं होगा, ये आपके पास अलग चीज़ है। हाँ, रेस्ट और वीरी का ऑप्शन बनाया जा सकता है, क्योंकि रेस्ट जो है वो आपके पास, अगर रेस्ट करोगे तो वीरी खत्म होगा। वीरी का मतलब क्या होता है आपको ये बता देता हूँ। जैसे आप काम करके थक जाते हो और 10-15 मिनट के आप लेट, 10-15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा आप लेट जाते हो, सो जाते हो, जिसका आप नैप बोल देते हो, तो वो आपकी जो टायर्डनेस खत्म होती है, जो टायर्डनेस होती है उसको वीरी बोलते हैं, और रेस्ट करने को आपको पता है वो आपकी खत्म होगी, तो ये आपका इंटरलिंक करेगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। एम्पियर एंड करंट आपको पता होना चाहिए बेसिक के बारे में। ये दोनों, एम्पियर जो होगा वो हमारे पास करंट की क्या है, यहाँ पे यूनिट है, तो इसके अंदर आप यूनिट चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फोर्स की जो यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। इनके अंदर आपको क्या फाइंड करना है, ऑड वन। ये भी ऑप्शन आपके, ये क्वेश्चन भी आपके पास वर्बल एनालॉजी न्यूमेरिकल के ऊपर भी आते हैं, बेसिक के ऊपर भी आता है, और नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर भी आता है, ठीक है। ऑड वन आउट, तो इसके अंदर आपको पता करने कि अप्रैल, जून एंड जुलाई एंड सितंबर, तो इनमें से ऑड वन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बाकी सारे के सारे 30 वाले ही आपके पास 31st वाला होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास फिर से ऑड वन के रिलेटेड है। वैसे अगर आपने कभी भी बेसिक जीके पढ़ा होगा तो ये फेमस नाम है बर्ड्स के, ठीक है, बट स्पैरो इज ए कॉमन नेम, हाउस स्पैरो इज ए कॉमन नेम फॉर बर्ड, सो दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। एंथर रेटिना एंड ओवरी एंड पेटल, सो रेटिना इज द राइट ऑप्शन, वाई, बिकॉज ये आई से रिलेटेड है, बाकी सारे के सारे ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके पास फिर से ऑड वन का है, तो मैसून इज रिलेटेड टू वॉल एंड कॉबलर इज रिलेटेड टू शू एंड फार्मर इज रिलेटेड टू क्रॉप, तो करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप सब बच्चों को बता देता हूँ, जैसे जो दीवार बनाते हैं उनको मसून बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, ऐसे शू बनाने वाले को और क्रॉप बनाने वाले को, बट यहाँ पे जो शेफ है वो यहाँ पे खाना बनाते हैं, तो फूड बनाने को भी बोल सकते हैं, बट कुक नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए डिफरेंट वन। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। बॉटल इज रिलेटेड टू वाइन, कप इज रिलेटेड टू टी, पिचर इज रिलेटेड टू वाटर एंड बॉल वेट, तो ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल अलग होगा यहाँ पर, क्योंकि जो वाइन है यहाँ पर बॉटल के अंदर आएगी, टी भी कप के अंदर आएगी, जो वाटर है वो पिचर्स के अंदर आता है, जिसको पंजाबी या हिंदी में आप जग बोल सकते हैं, तो डी इज एयर ऑप्शन नंबर डिफरेंट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो फिर से आपके पास है, यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ द फिगर्स, तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पहले तो 5-5 क्वेश्चन आते थे, बट आजकल एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं नॉन वर्बल से, ऐसे टॉपिक से, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इनके अंदर क्या, यहाँ पे हम इसको रखें कि ये कंप्लीट हो जाए। सीधे वर्ड्स में आप ये चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप चेक करोगे एक सिंगल सर्कल है, यहाँ पर सिंगल सर्कल के अंदर ऐसे क्रॉस है, यहाँ पर अगर चेक करोगे तो यहाँ पे एक स्केयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्केयर होगा जिसमें ऐसे लाइन होगी, तो स्केयर के अंदर लाइन वाला ही आपका आंसर होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, तो बच गया आपके पास दो ऑप्शन, ठीक है। फिर आप ये चेक करोगे जो आपके पास ये वाला ऑप्शन है, देखो कॉर्नर से ये लाइन यहाँ पे ऐड हुई, फिर बाद में ये लाइन यहाँ पे टूट चुकी है, क्लियर। आई रिपीट अगेन, जैसे यहाँ पर सी ऑप्शन के ऊपर चलेंगे तो ये वाली लाइन यहाँ पे जुड़ी, फिर यहाँ पे टूट चुकी है, ये लाइन जुड़ी नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेटेड, सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं।
इन ए रो ऑफ 64 गर्ल्स अनु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, हमारे पास एक रो है जिसके अंदर टोटल 64 गर्ल्स हैं। अनु की पोजीशन यहाँ पे लेफ्ट एंड से, लेफ्ट एंड यही होगा और राइट एंड ये होगा, तो अनु की पोजीशन यहाँ पे 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड है। जगृति जो है उसकी 11th टू द राइट ऑफ अनु, तो इसके अंदर 11 नंबर ऐड कर देंगे, 11 नंबर ऐड कर देंगे तो सीधा सीधा इसका नंबर 28 आ जाएगा यहाँ पे जगृति का। ये अनु का पोजीशन है लेफ्ट हैंड से, तो उसने पूछा हुआ है जगृति की पोजीशन बताओ राइट हैंड से क्या होगी, तो राइट हैंड से इसकी पोजीशन क्या होगी। इसके लिए फॉर्मूला आना बहुत ज्यादा जरूरी है रैंकिंग का, दैट इज लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल नंबर। सो लेफ्ट मेरे पास आएगा जगृति का 28, राइट हमें पता नहीं, माइनस वन इज इक्वल टू 64। सो राइट नंबर की पोजीशन हम निकालेंगे, इसमें से आप माइनस कर दोगे, यहाँ पे 27 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 7 और ये आएगा 3, तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी बिल्कुल सही है। अब ये फॉर्मूला आया क्यों, कैसे इसको अप्लाई करना है और कब कब अप्लाई करना है, जब भी आपके पास सेम पोजीशन होगा तब, और आया कैसे है उसके लिए आप मेरा जो एफ कैट का कोर्स है वहाँ पे जाके आप रैंकिंग पोजीशन का चैप्टर है वहाँ पे जाके इस क्वेश्चन को आप सीख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। फिर से आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन वर्बल रीजनिंग का, दैट इज बेस्ड ऑन फिगर मैट्रिक्स। इस टॉपिक का नाम है फिगर मैट्रिक्स। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं फिगर मैट्रिक्स बाय बलविंदर लाइव, तो आपको उसके अंदर रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगी। सिर्फ 12 या 15 क्वेश्चन इसके कर लो, अगर आएगा तो आप डेफिनेटली पेपर में कर लोगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, या तो रो वाइज रिलेशन बनेगा या फिर कॉलम वाइज रिलेशन बनाया जा सकता है। तो अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे 99% आंसर आएगा रो वाइज। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन इसका कॉलम बेस्ड हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर एक हमारे पास ऐसे यहाँ पे बॉक्स ऐड हुआ, यहाँ पर एक और ऐड हो गया, क्लियर। फिर आप चेक करो यहाँ पे, यहाँ पर आपको कोई पोजीशन दिख रही है, यहाँ पर आपको डार्कनेस वाला दिख रहा है, फिर आपके पास ये वाला एक ऐड हुआ, फिर ये डार्कनेस वाला साथ में, फिर ये वाला तो है ही, फिर आपके पास ये वाला पोजीशन एक और ऐड हुआ, ये तो था ही पहले। मतलब ये हुआ कि आपके, अगर मैं सिर्फ एक कॉमन सेंस की यहाँ पे बात करूँ, जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो रहेगा ही रहेगा, तो नीचे वाले पोर्शन जो यहाँ पे है वो तो आएंगे ही आएंगे, तो ये यहाँ पे क्यों नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेटेड। फिर दूसरा बार आप चेक करोगे, यहाँ पर आपके पास ये वाला जो डब्बा है, ये वाला डब्बा यहाँ पे आता है और इसके साथ एक और डब्बा आ जाता है, मतलब यहाँ पे बॉक्स आएंगे आएंगे, दोनों दोनों बॉक्स भी आएंगे, नीचे डार्कनेस वाले भी आएंगे, तो डी इज ए राइट आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 के ऊपर। विच फिगर कंप्लीट द स्टेटमेंट। देखो ये क्वेश्चन को करने के लिए तो मैं ये बोल दूंगा ये इसका उत्तर है, बट आप सब बच्चों को इसके अंदर एक छोटा सा लॉजिक समझा रहा हूँ, पेपर में जाओगे तो इसको आप याद रखना, अगर आप कन्फ्यूजन, थोड़ी सी भी आपको अगर कन्फ्यूजन लगे तो ठीक है, नहीं तो आप इसका आंसर इजिली कर पाओगे। अगर कन्फ्यूजन आए तो आपको कैसे करना है आप अच्छे ढंग से समझें। जैसे ये वाला डब्बा है, इस डब्बे को मैं ऊपर ले ड्रॉ कर देता हूँ, सिर्फ ये डब्बा जहाँ पे ये वाली डार्कनेस आपको दिख रही है, सिर्फ ये वाला डब्बा, ठीक है। ये वाले डब्बे के अंदर अगर इस डब्बे में जाओगे तो आप चेक करना कि ये डार्कनेस आपके पास यहाँ पे आ चुकी है, क्लियर। सो अगर मैं सिर्फ इस डब्बे की बात करूंगा, यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या ये ऐसे ऐसे रोटेशन हुआ, इसको बोलते हैं हमारे पास यहाँ पे क्लॉक वाइज, और इसको बोलते हैं मेरे पास यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज। तो ये सिर्फ आपके पास क्लॉक वाइज 90 डिग्री का रोटेशन हुआ, जो रिलेशन यहाँ पे है वही रिलेशन यहाँ पे आएगा। अगर ये पोजीशन ऐसी है तो ये भी आपके पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, और ये ऊपर ही आपकी डार्कनेस दिखाएगा, नीचे नहीं दिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड एलिमिनेटेड, फिफ्थ एलिमिनेटेड, क्लियर। सो इसका आपको आई होप सबको पता चल गया होगा कि सेकंड एंड फिफ्थ हमने कैसे एलिमिनेट किया। बाकी भी आप सारे बच्चे बाकी ऑप्शंस को एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई अभी करो, ठीक है। ये एक लॉजिक है जो आपको सीखना पड़ेगा, पेपर में आपको काम में आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ये वाला डार्कनेस है और यहाँ पे डार्कनेस है, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, यहाँ पे डार्कनेस है तो आगे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो जो भी डब्बा आएगा उसके राइट साइड डार्कनेस आएगी, तो ये वाला ठीक है, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये एलिमिनेटेड, ये वाला भी ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन गए बाहर और ये भी गया, तो बचे दो ऑप्शन। फिर से चेक कर लो लास्ट वाले डब्बे को, ये ऊपर है, फिर आपके पास ये क्लॉकवाइज घूमा, यहाँ पे आ गया, अगर ये यहाँ पे है तो क्लॉकवाइज घूमेगा, नीचे आएगा, तो नीचे ऑप्शन नंबर पहले पे ठीक है, फिफ्थ वाले पे ये फिर से गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 के ऊपर। ये क्वेश्चन आपके पास है सीरीज के रिलेटेड, कि अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा। सिंपल वर्ड्स के अंदर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखो एक सर्कल है, यहाँ एक डॉट है, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, तो आगे पांच डॉट वाला आएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, बच गए दो ऑप्शन, ठीक है। फिर आप चेक करो हमारे पास एरो की वैल्यू क्या हो रही है, एक एरो कम होता जा रहा है, तो आगे एक एरो कम होकर सिंगल बचेगा, तो सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर, यहाँ पर फिर से एक कंप्लीशन ऑफ फिगर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहोगे कर सकते हो। थोड़ा मैं इसको यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ सको अच्छे से कि ये हुआ क्या यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको इसमें एक एक पॉइंट जो है वो समझ आ सके। ओके, तो यहाँ पे इसको फिर से जूम कर लेते हैं।
यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास ये वाला देखो इसके अंदर हैंड बना हुआ है, यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ होगी, तो आप में से कुछ बच्चे इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, बट ये आप खुद चेक करो, ये इसके बिल्कुल यहाँ पे एज टू एज ज्वाइन होगी। तो अगर एज टू एज ज्वाइन होगी तो ये यहाँ पे एज टू एज नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत है। फिर आपके पास बाकी तीनों ऑप्शन एज टू एज ज्वाइन हो रहा है, कोई भी आंसर हो सकता है। फिर आप चेक करो यहाँ पे जो ये दिख रही है आपको, यहाँ पे डी पोजिशन, डी की पोजीशन में कोई यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहा, मिक्स का मतलब जैसे यहाँ पे हो गया, तो डी ऑप्शन एलिमिनेटेड। तो बच गया आपके पास दो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में से आप यहाँ पे खुद ही चेक कर लो कि आपके पास यहाँ से कौन सा सुटेबल आपको लग रहा है। आप खुद चेक करोगे तो यहाँ पे देखो ये डबल लाइन वाले जो है आपके पास, ये वाली पोजिशन जो यहाँ पे मैं हैंड यहाँ पे शो कर रहा हूँ, डबल लाइन वाले आपके पास है, तो डबल लाइन वाले तो नहीं है, ये सिंगल लाइन वाले हैं, सिंगल लाइन वाले आपके पास यही दिख रहे हैं बी ऑप्शन में, दैट्स वाई इज ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 के ऊपर, 21 नंबर क्वेश्चन पैटर्न कंप्लीशन के ऊपर है। जैसे आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक इसमें समझा देता हूँ कि आपके पास आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक का इसका मिरर इमेज भी हो सकता है, या फिर आप डायगोनल वाइज चेक कर सकते हो। डायगोनल वाइज जैसे यहाँ पर ये वाला स्टार इधर आ गया, ये वाला सर्कल आपके पास इधर आ गया, तो ऐसे भी आप पोजिशन को चेंज कर सकते हो। जैसे आपके पास स्टार यहाँ पे आएगा, सर्कल आपके पास यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही है। आपको एक और लॉजिक इसमें समझा देता हूँ जिससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर दो ऑप्शन ऐसे आपको मिलते जुलते मिले तो। जैसे कि इसके अंदर आप चेक करोगे, आपके पास एक पहले स्टार आता है फिर आपके पास सर्कल आएगा, मतलब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो पहले स्टार आएगा फिर सर्कल आएगा, पहले स्टार आएगा फिर सर्कल आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आपके पास यहाँ पे स्टार आएगा फिर आपके पास सर्कल आएगा, तो फिर से आपके पास ऑप्शन यही है, डी इज ए राइट आंसर। बट अगर आप चेक करोगे तो ए ऑप्शन में भी पहले आपके पास स्टार और सर्कल आ रहा है, क्लियर। बट अगर आप बी ऑप्शन में देखोगे तो ये एलिमिनेटेड हो जाएगा, ये भी एलिमिनेटेड हो जाएगा, तो ऑप्शन दो आपके पास कन्फ्यूजन में आएंगे। तो इसमें आपको एक बात प्रॉपरली याद कर लेनी है कि अगर मैं इसको देखो, इस पोजीशन को सारे बच्चे ध्यान से समझो, इसको अगर मैं थोड़ा सा घुमा के ऐसे फिट करूंगा तो ये फिट हो जाएगा आपके पास, ठीक है, आंसर ये भी हो सकता है। बट अगर आपके पास सेम फोटो है, मतलब सेम का कि इसको बिल्कुल ऐसे ही हटा के हम यहाँ पे रखेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा, अगर सेम फोटो है आपके पास तो पहले पहली प्रेफरेंस आप उसको दोगे, बाद में अगर आपके पास मान लो ये ऑप्शन नहीं है तो आप इसका आंसर ये ऑप्शन भी मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 के ऊपर, अभी के लिए डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपके पास वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको डायगोनल रिलेटेड बताया, तो आप इसमें चेक करोगे डायगोनल बिल्कुल इसके आपके पास खाली खाली दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फिलर वाले आएंगे, ठीक है। तो फिलर वाले के साथ साथ आप ये देखो कि अगर मैं पूरा का पूरा डब्बा यहाँ पे उठा के लगाऊंगा, जैसे ये वाला आपके पास चेक करोगे, ठीक है, ये वाला आपके पास फिलर है, तो आपके पास यहाँ पर ये वाला फिलर है, तो फिलिंग वाला फिलर के साथ यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे फिल हो जाएगा और ये वाला बॉक्स आपके पास ऐसे खाली होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट। बट एक बात इसमें ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट्स में ये भी गड़बड़ कर देते हैं कि सर हमारा ए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे फिल तो हो गया, देखो फिल तो हो गया बट हमारा ये बॉक्स तो खाली रह गया ना, यहाँ पर आपको ये भी तो लाइन चाहिए, तो ये लाइन चाहिए, इसका मतलब डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे 23 के ऊपर, ये क्वेश्चन आपके पास सीरीज से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे क्रॉस है फिर प्लस हो गया, फिर क्रॉस है फिर प्लस हो गया, तो आगे पहली बात तो क्या होगा, क्रॉस आएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड हो गया हमारे पास। फिर आप चेक करोगे आपके पास यहाँ पे जो छोटे वाला सर्कल है और ये वाला छोटे वाला सर्कल है, सिर्फ ये छोटे वाले सर्कल हमारे पास यहाँ से यहाँ थे और ये हमारे पास एक स्टैंडिंग लाइन में आ चुके हैं। ये स्टैंडिंग लाइन में आने का मतलब है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री का रोटेशन हुआ। फिर ये वाला जो आपके पास है, ये छोटे वाले सर्कल के अंदर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ फिर से 45 डिग्री रोटेट हो चुके हैं अगर यहाँ से मैं आगे जाने की बात करूँगा। ऐसे हम आगे चेक करेंगे, फिर आप इससे आगे चेक करोगे तो छोटे वाले जो डंडे होंगे हमारे पास वो यहाँ पे ऐसे आने वाले हैं, ठीक है। तो छोटे वाली लाइन आपके पास यहाँ पे सर्कल की ऐसे कुछ आने वाली थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 के ऊपर, यहाँ पे भी आप उसी कंसेप्ट को लगा सकते हैं जैसे आपको मैंने अभी अभी समझाया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बेस्ड के ऊपर। जैसे ही हमारे पास इसको फोटो को चेक करेंगे, ये फोटो को मैं यहीं पे डार्क कर देता हूँ, ये सर्कल है और यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे एक आपके पास ट्रायंगल शेप है, और अगर मैं इसको पूरा का पूरा ऐसे घुमा लेता हूँ यहाँ पे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये सर्कल आपके पास यहाँ पे आ गया 90 डिग्री पे। फिर आप आगे चेक करोगे फिर से 90 डिग्री पे यहाँ पे आ गया, फिर से अगर आप 90 डिग्री रोटेट करोगे तो अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ये ऊपर की साइड आनी चाहिए थी, तो आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा, ये ऑप्शन आपके पास दोनों एलिमिनेट हो गए, क्लियर। तो दो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट यहीं से हो जाएंगे। फिर हम चलेंगे दूसरी पोजिशन के ऊपर, इसके ऊपर, इसके अंदर हमारे पास एक सर्कल है और डार्कनेस आपके पास कुछ ऐसे है। फिर आप चेक करोगे यहाँ से तो आपके पास सर्कल यहाँ पे है, फिर डार्कनेस आपके पास क्या हुआ, ऊपर आ गया, ठीक है। फिर आप इसके आगे चेक करोगे यहाँ पर जो है, वैसे इसके अंदर क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है, मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे डार्कनेस यहाँ पे होगी, ये इनकम्प्लीट है, मिस्टेक है यहाँ पे,
ये डार्कनेस यहाँ पे आएगी आएगी, ठीक है। फिर उसके आगे जाएंगे तो डार्कनेस यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि डार्कनेस जो है वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है 90 डिग्री, तो इसका मतलब डार्कनेस यहाँ पे आनी चाहिए थी। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, मिस्टेक है यहाँ पे, तो डार्कनेस यहाँ पे आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, ए बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 के ऊपर, इसके अंदर आप चेक करोगे तो आपके पास एरो जो है अपसाइड है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा यहाँ पे आ गया, फिर से 90 डिग्री घुमा ये, फिर से आगे 90 डिग्री घूमेगा तो एरो आपके पास इधर को आएगा, तो बी इज ए राइट आंसर, क्योंकि जो स्केयर है वो तो स्केयर ही रहा, ठीक है, सिर्फ एरो की रोटेशन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके पास एनालॉजी के बेस्ड के ऊपर है, कि हमारे पास ये वाला जो ए है ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया, और जो भी इसके कॉर्नर है वहाँ पे क्या हो गया, एक एक सर्कल आ गया। अब ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये आपके पास पहली बात तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा होने का मतलब है ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, ये हो सकता है आंसर, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, ये हो सकता है उत्तर। फिर आप चेक करोगे सिर्फ आपके पास यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे एक सर्कल आएंगे, बीच में सर्कल नहीं आएगा, तो ये एलिमिनेटेड, सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 के ऊपर, ये क्वेश्चन आपके पास एनालॉजी बेस्ड के ऊपर फिर से गिवन है। पहली बात तो आप इसमें एरो ही चेक कर लो, एरो से आपके एक आधा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, और दूसरी बात इसके अंदर एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ एरो वाले के अंदर, कि एरो जहाँ पे भी होगा, मान लो एरो मेरे पास यहाँ पे है, तो इसका लेफ्ट ये होगा, इसका राइट ये होगा। अब इसमें चेक करो, एरो मेरे पास यहाँ पे इस साइड में है, तो इसका हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट ये होगा, इसका राइट इधर होगा, क्लियर। तो इसके लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो हमारे पास यहाँ पे डंडे से दिख रहे हैं, क्लियर। तो अगर मैं इसको चेक करूंगा, ये हमारे पास यहाँ पे एरो इधर को हो चुके हैं, मतलब 90 डिग्री जो है वो हमारे पास यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो चुके हैं, तो ये भी एरो हमारे पास दो हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होंगे, तो एरो मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होने के बाद नीचे को आएंगे, तो मतलब आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ऑप्शन तो हो गया लेमिनेटेड, क्लियर। फिर मैंने जो बताई आपको बात कि इसके लेफ्ट साइड है, तो जहाँ पे आप चेक करोगे एरो इधर को हो गया, तो इसके राइट साइड में आपके पास ये वाले स्टैंडिंग लाइन लग गए तीन हमारे पास, ठीक है, मतलब लेफ्ट से राइट हो चुका है, तो इसमें भी होगा ऐसे ना ऐसे कुछ। अगर एरो इधर है तो इसकी अगर मैं चेक करूंगा तो इसके लेफ्ट साइड में मेरे पास स्टैंडिंग लाइन है, तो अब की बार क्या होगा, अगर एरो मेरे पास इस साइड होगा तो इसके राइट साइड में स्टैंडिंग लाइन आएगी, ये तो लेफ्ट का लेफ्ट ही रह गया, ये राइट वाला आपके पास पोजीशन ठीक है, क्योंकि यहां से लेफ्ट टू राइट हुआ है, तो यहां से भी लेफ्ट टू राइट होगा, तो डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 के ऊपर, इसके अंदर अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे, तो आपके पास सर्कल है, फिर हमारे पास यहाँ स्केयर है, सॉरी स्केयर से हमारे पास पेंटागन हुआ, एक नंबर साइड यहाँ पे बढ़ गया, जैसे इसके अंदर हमारे पास फोर साइड है, यहाँ पे फाइव हो चुका है, यहाँ पे अगर चेक करोगे छह साइड है, तो आगे कितना हो जाएगा मेरे पास, सेवन साइड हो जाएगा, काउंट कर सकते हो आप यहाँ पे, ये तो फाइव ही रह गया गलत ऑप्शन, ये फोर हो गया गलत ऑप्शन, ये वाला एक दो तीन चार पाँच छः, ये भी आपके पास छः का छः रह गया गलत ऑप्शन, तो डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 के ऊपर, नो राइट ईस्ट लेफ्ट, ये आपके पास यहाँ पे सिलॉगिज्म बेस्ड है, सिलॉगिज्म हर एक बच्चा जरूर पढ़ के जाए पेपर के अंदर, मैं बता देता हूँ मेन मेन टॉपिक यहाँ पे, सिलॉगिज्म तो मिस ही नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर ब्लड रिलेशन पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिर डायरेक्शन क्वेश्चन, डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आने ही आना है पेपर, अगर मैं एफ कैट की बात करूंगा, ये तीन टॉपिक तो पक्के हैं, इनमें कन्फर्म है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब बात कर लेते हैं क्लॉक चैप्टर की, कैलेंडर चैप्टर की, इसके ऊपर लास्ट 2022-23 में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनको भी आप सारे बच्चे पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास वर्बल नॉन वर्बल वो सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, बट इनकी प्रैक्टिस आपकी जरूरी है, नेसेसरी है, क्योंकि बच्चों के जो क्वेश्चन गलत होंगे वो यहीं से होंगे। अगर आपके बात करें मैं नॉन वर्बल की, तो लगभग हर एक बच्चा ठीक ही करके आएगा आंसर, एक दो क्वेश्चन गलत करने के अलावा, बट अगर मैं सिलॉगिज्म की बात करूंगा 50-80% बच्चे गलत करके आते हैं पेपर में। ब्लड रिलेशन का भी यही सीन है, तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करके उस क्वेश्चन को कर लेते हो जो बाकी बच्चे नहीं कर पाते, तो आप कंपटीशन में आगे निकलोगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, हमारे पास नो राइट इज टू लेफ्ट, मतलब हमारे पास कोई भी राइट क्वेश्चन लेफ्ट वाले में नहीं आएगा, क्लियर, ऑल अप आर लेफ्ट, मतलब सारे के सारे अप जो है वो लेफ्ट में होंगे। तो आगे है सम डाउन आर अप, सम डाउन आर अप मतलब डाउन वाला डाटा इसमें आएगा। आगे पूछा हुआ है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट, नो अप इज ए राइट, कोई भी अपराइट नहीं है, अगर राइट का पार्ट हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट में नहीं है, लेफ्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे यू है, तो ये वाला डाटा इसमें आएगा नहीं, ये तो 100% ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बात करें एटलीस्ट सम डाउन आर लेफ्ट, यहाँ पे आप चेक करो सम डाउन आर लेफ्ट की बात करेंगे, तो अगर यू की बात करेंगे, यू का कुछ डाटा डी के अंदर है, तो डी यू का कुछ डाटा डी में है, वही डाटा आपका एल के अंदर आएगा ही आएगा, इट मीन ये भी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी आएगा, दोनों के दोनों ट्रू। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 के ऊपर, सम क्रिकेटर्स आर फुटबॉलर्स, सम क्रिकेटर्स आर फुटबॉलर्स, ऑल फुटबॉलर आर बॉक्सर, सारे के सारे फुटबॉलर जो है वो बॉक्सर है, सम बॉक्सर्स आर प्लेयर, सम बॉक्सर्स आर प्लेयर। सो उसने क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास एटलीस्ट सम बॉक्सर्स आर क्रिकेटर,
मतलब सम बॉक्सर और क्रिकेटर होंगे, बिल्कुल जो हमारे पास यहाँ पे फुटबॉलर बॉक्सर है, फुटबॉलर का कुछ पार्ट क्रिकेटर है, तो वो डाटा तो बॉक्सर में जाएगा ही जाएगा, ये तो सही है हमारे पास। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नो प्लेयर इज ए क्रिकेटर, कोई भी प्लेयर हमारे पास क्रिकेटर नहीं है। देखो क्रिकेटर यहाँ पे, प्लेयर यहाँ पे, तो इसके बीच वाला डाटा आप यहाँ से यहाँ तक का रिलेशन नहीं बता सकते, क्योंकि क्रिकेटर का जो सर्कल है वो हमारे पास सिर्फ यहाँ तक है, प्लेयर्स का डाटा का सर्कल यहाँ पे है, इनके बीच में कोई डायरेक्ट हमारे पास रिलेशन नहीं है। जो रिलेशन नहीं होता है उसको आप हमेशा स्किप करते हो, गलत नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब पहला ही ट्रू है, तो ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास है एम्बेडेड मैच के ऊपर, पहले तो 5-5 क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं, बट आजकल के पेपर में एक या दो क्वेश्चन इससे मिलने की संभावना रहेगी आपके एड में। सो काफी इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारे पास ये वाला आप चेक करोगे डाटा, तो ये वाला डाटा आपके पास यहाँ पे बी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ये डाटा आपके पास क्लियरली आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 के ऊपर, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, फ्री के नंबर आप कह सकते हो। जैसे आपके पास ये वाला डाटा है, तो इसमें बिल्कुल थर्ड ऑप्शन में लगा हुआ दिख रहा है, जो कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। आने वाले टाइम के अंदर और भी आपको एफकेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, सो अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करो और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताओ ये आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।